देखिए हम लोगों का जो मुद्दा है सुनने आए हैं, हम लोग देख सकते हैं, हम लोग सुबह से अत्याचार हो रहा है, धूल प्रशासन, लेकिन शर्म आनी चाहिए लखनऊ है। आए घर से निकले सूट पता भी आगे धरने स्थल पे मौजूद है, ये सर आ गए, हट जाओ सर को आने दो, सर सर बैठो यार। रवि एक मिनट ऐसे हो जाओ आराम भैया, आगे बताइए भैया, मुझे बात करने दो, उसके बाद तुम्हारी बात करना होगा। ठीक है सर, मेरे पास कोई नहीं आएगा, मास्क उतारूंगा मैं, ठीक है, सब लोग मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस भी थोड़ा रखो, थोड़ा दूर दूर आ जाओ। अरे यार पूछ रहे हैं वहीं पे, शांत करा दो उनको, बात हो जाओ शांत हो जाओ, वहां भी आएंगे, सबके पास आएंगे, सबके पास जाएंगे। अच्छा बताइए आप कैसे हैं? आप कैसे, तो हम पीड़ित हैं, ठीक है, शोषित पीड़ित हैं, आप कैसे हैं? और सरकार कैसी है? ताना साहब निकम्मी है, सरकार चंगी है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे शोषित पीड़ित, ठीक है। पूछूंगा सरकार कैसी है, आपके सरकार चंगी है, मस्त है, ठीक है। आप कैसे हैं? शोषित पीड़ित है। और सरकार कैसी है? सरकार मस्त मस्त। सरकार कैसी है? दोस्तों मेरे आने का कारण देखो, मुझे पता है बहुत दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हो और मैं सबके साथ हूं, पूरे प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है उसकी पीड़ा मेरी पीड़ा है। मेहरबानी करके शांत रहे, क्योंकि मालिक नहीं है, शांत रहिए, शांत रहिए। तुम्हारी बात भी कर रहे हैं, शांत रहिए, ये तुम्हारी बात केवल शिक्षा भर्ती का मुद्दा नहीं है, ये सांकेतिक है, पूरे प्रदेश में बेरोजगारी की हालत क्या है वो मुद्दा है। पूरे प्रदेश में 5 करोड़ युवा बेरोजगार है, मैं युवा जब कहता हूं तो 40 से 45 साल के लोगों को कहता हूं, 2 से 3 साल तो आपका कोरोना में ही निकल गया, जो आपकी आयु सीमा है वो बढ़नी चाहिए, वो मुद्दा भी हम लोग उठा रहे हैं। इलाहाबाद में प्रतिगोत प्रतियोगी छात्रों ने बहुत आंदोलन किया है, वहां भी मुझे जाना है। आज मुझे जो पीड़ा हुई मैं उसलिए यहां आया हूं, पीड़ा ये हुई कि अगर कोई शिक्षा मंत्री को अपने ज्ञापन देना चाहता है और शांतिपूर्वक ज्ञापन देना चाहता है, कोई लाठी डंडे तोप तलवार या बंदूक के साथ तो गया नहीं, आप शांतिपूर्वक अपने ज्ञापन देना चाहते हो शिक्षा मंत्री को, शिक्षा मंत्री कौन है, कोई बादशाह तो नहीं है, एक नॉर्मल, वो हमारे आपके द्वारा बनाया गया व्यक्ति है जी सर, वो जनता का सेवक है,
ये बात अलग है, आज वो मठाधीश बन के बंगले में बैठे, उनको आपकी पीड़ा दिखाई नहीं देती। और कल को जब चुनाव दिखाई देगा, चुनाव आएगा, तो घुटने पे आपके सामने आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। शिक्षा मंत्री को घुटने पे लाना है, नहीं लाना है? देखो, अगर आप जोश आप में होगा तो मुझ में भी जोश है। आज जो हुआ वाकया कि आप गए शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने, आपके साथ मारपीट होती है, डंडा पड़ता है, थप्पड़ पड़ते हैं, लाती लाते पड़ती है, घूसे पड़ते हैं, गाली सरकारी का पता है। रुपए तो मैंने अभियान चलाया आपका, थैंक यू सर, आप जानते होंगे, इसलिए आया हूँ। लेकिन आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत माँ बहन की गाली देना अलाउड है, मैं सत्ता से पूछता हूँ। हमारे कोई विरोध दरोगा जी से, इंस्पेक्टर से नहीं है। ये माँ बहन की जो गाली बेरोजगार युवाओं को दी गई है, ये सत्ता ने दी है, सरकार ने दी है। बिल्कुल सरकार के माँ बहन नहीं है क्या? सरकार में बैठे हुए मंत्रीगण सब जिनकी माँ बहन नहीं है क्या? माँ तो सबकी माँ है ना जी। जब आप माँ कहते हो तो उसमें ये नहीं कहते मेरी माँ, माँ किसी भी है, सबकी माँ है, सारी माँओं को नमन। लेकिन माँ बहन की गाली देना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अलाउड है, बता दीजिए आप। हम सरकार से ये पूछते हैं। मेरे आने से उनमें भी जोश आया होगा, उम्मीद है यार। मिल गई 22 तारीख बैठे हुए थे, लगातार 22 तारीख से मुझे पता भूख के प्यासे बैठे हो। 22-5 सर, छोटा पैसा लेके आते हो, इस सरकार को शर्म लिहाज नहीं आती है सर। 24 घंटे से ज्यादा हो गए मुझे भूख के बैठे हो आप लोग। नहीं सर, 2 दिन से नहीं भूख रही है। ऐसी सरकार तानाशाही सरकार, पानी की भी हमने देखी नहीं है सर। पानी बंद करवा दिया जाता है, पानी बंद करा देंगे, बिजली बंद करा देंगे, पुलिसिया इंकलाब दिखाएंगे। पुलिस में इंकलाब था, मैं बोल लेती हूँ। मैं मुद्दा ये कह रहा था, अब मुकदमा दर्ज कर लीजिए। मेरे खिलाफ भी 7 मुकदमे दर्ज किए इन्होंने, मुकदमा दर्ज कर लो, आपका हक है। अब जेल में भेज दो, आपका हक है। अगर हम उपद्रव करते हैं, बम फोड़ते हैं, बंदूक चलाते हैं, तो हमें गोली मार दो, आपका हक है। लेकिन अगर शांतिपूर्वक तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात रखना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं, तो लोकतंत्र में कहां बाधक है ये? और कहां पे किस धारा में लिखा हुआ है कि मैं, देखिए दरोगा की बात नहीं कर रहा हूं, इंस्पेक्टर साहब की बात नहीं कर रहा हूं, उनको दोषी नहीं दे रहा हूं। भाई वो तो कर्मी है ना, इंस्पेक्टर साहब ने गाली क्यों दिया? सिस्टम की वजह से, क्योंकि ऊपर के मुख्यमंत्री भी तो गाली देते हैं ना जी। मीडिया को गाली देते, मीडिया के किसी को कुछ बोला था ना, तो अगर ऊपर कोई गाली देगा तो नीचे भी तो गाली देगा ना, इससे नीचे बात ही नहीं करेगा। तो ये गाली किसी इंस्पेक्टर ने नहीं दिया, ये गाली सरकार ने दिया है। और किसको दिया है? बेरोजगार युवाओं को दिया है। किसको दिया है? अच्छा, ये करें शिक्षा मंत्री भी गाली दे, शिक्षा मंत्री चोर है। मैं कहूंगा शिक्षा मंत्री गाली देते हैं ना, शिक्षा मंत्री, माफी मांगो, शिक्षा मंत्री माफी मांगो। आप लोग नहीं बोल रहे हैं, मर गए क्या? मर गए, बोलिए बोलिए, आज नहीं बोलेंगे, सब रोजगार रहेंगे, सबको बोलना चाहिए, सबको एक साथ नहीं आओगे, अलग अलग बैठोगे तो बैठे रह जाएंगे। लड़ाई आ जाओगे खुद के 97,000 में। नौकरी चाहिए तो सभी लोग को बोलना पड़ेगा। चलो चलो चलो, मैं बात कह रहा था, ऑटो फोन, मैं बात कह रहा था, मैं सारे, देखिए मैं तो प्रशासन का अंग रहा हूँ, मैं प्रशासन की व्यवस्थाएं जानता हूँ, मैं डीएम रहा हूँ, व्यवस्थाएं जानता हूँ। जो सरकार का डंडा पड़ता है प्रशासन पे, तो वो वैसे ही बोलता है जो सरकार चाहती है, और उसका परिणाम क्या होता है आपने देखा परिणाम उसका, कि हमारे पुलिस के उच्च अधिकारी के गाल पे चांटा पड़ गया। ये साहस, ये हिम्मत, ये साहस, वो व्यक्ति एक नहीं है,
पूरी पुलिस फोर्स है, पूरी पुलिस फोर्स को इस तरह से अगर ज्यादातर लोग चाटा मारेंगे तो बर्दाश्त के काबिल नहीं है वो। हम पूरी पुलिस फोर्स के साथ भी खड़े हुए, लेकिन हम उनसे ये भी निवेदन करते हैं कि किसी नेता सरकार के कहने पे हमें माँ बहन की गाली मत दीजिए। इसका इल्जाम आपका आपको इसका इसको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों शांत हो जाइए दोस्तों, आपकी बात भी करूंगा। मेरा इशू ये है, मेरा आपसे इशू ये है, अगर सारे एक जगह संगठित नहीं हो तो सरकार एक ही तरह से नहीं सुनेगी आपकी बात, सरकार आपको अकेले अकेले करके छोड़ देगी। तो मैं बोलूंगा शिक्षा मंत्री, आप क्या बोलेंगे? शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री चोर मत भाई। अरे चोर है, महाचोर है, कभी तो चोरी है। अभद्र भाषा का प्रयोग ना करो यार, कौन सा अभद्र है? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, बिल्कुल। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को शांतिपूर्वक तरीके से अपना बात कहने का हक है, विरोध करने का भी हक है। सरकार को विरोध सुनना चाहिए, अगर सरकार को विरोध नहीं सुनती है तो सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, उस व्यवस्था में विश्वास नहीं करती। ये सरकार लाठी डंडा मारती है, हर समस्या का समाधान लाठी डंडा गोली नहीं है। ये सरकार को आगाह कराना है, और देखिए आप लोग मुकदमों से मत डरिए, करने दीजिए इनको मुकदमा, इतना करना है।